कुश कहते हैं कि संगत जो होती है वो अपनी रंगत को छोड़ती है। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, और क्या फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया और आपको कहा कि आगे बढ़ो? और क्योंकि आजकल का समय जो है वो बहुत बदल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो मुझे ये बताइए कि दोस्तों का कैसा रुझान रहा आपको आगे बढ़ाने में, और जब आपने शील्ड जीत ली या अच्छे मुकाम पर पहुंचे, उसके बाद आपके रिलेटिव्स का, फ्रेंड सर्कल का कैसा माहौल रहा? जैसा कि बोलते हैं कि एक मित्र जो होता है वो आपके भाई जैसा होता है, जी वैसे ही मेरे मित्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया। मेरा आज भी 7 फ्रेंड्स का ग्रुप है जो मेरे हर टाइम हर समय, ये नहीं कि सिर्फ मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली के साथ, मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो मुझे पूरा खड़े होकर सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देते। और मानिए कि वो दोस्त नहीं, मेरे रियल ब्रदर हैं। वाह, कहते हैं कि हमेशा समंदर पार जाकर ही सच्चाई का पता चलता है, और संघर्ष के बाद ही आपको सफलता के सही सूत्रों का पता चलता है। अब मैं आपसे वो सवाल करने जा रहा हूं जो हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा गोल रहता है। आपका क्या गोल है लाइफ को लेकर? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आपकी सोच है? और आप देश के बारे में भी क्या सोचते हैं? क्योंकि हर चीज में खरा उतरना जरूरी है आज के समय में। जी सर, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो नशे में पड़ता जा रहा है। जी मेरा मानना ये है कि आप नशे को छोड़ के अपने आप खुद डिपेंड रहें। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि जो युवा ना कर सकता हो। हर एक युवा अगर सोचे तो ये देश बेहतर बन सकता है। मेरा मानना यही है कि आप खुद स्ट्रगल करें, खुद पे डिपेंड रहें, और जो आने वाला समय है वो युवाओं का ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि युवाओं, आप आगे बढ़ें, आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको नहीं सपोर्ट मिलती तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि हम खुद में एक मिसाल बन सकते हैं और हम इस देश को बेहतर बना सकते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया आप 6 स्टैंडर्ड से मेहनत करते आ रहे हैं, घर में जो आर्थिक दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, तो मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक अच्छा एक्टर, साथ में एक मॉडल बनना चाहता हूँ और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, अब कुछ बात उस तरफ लेकर आते हैं जिस तरफ एक स्ट्रगल की भूमिका होती है। कलाकार के लिए स्ट्रगल बहुत बड़ा एक सफर रहता है, और खासकर इस लाइन में, एक्टिंग के लाइन में, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या हेल्थ वाइज लेकर हो। तो क्या आप उस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं? जी सर, मैं पूरा इस चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं इस चीज़ में मेहनत भी कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल का क्या है, उसमें मेरे को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि इससे क्या है, अगर आपके बिल्कुल राइट से हैं कि आपको लगता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको जो टाइम, अगर आपका सोच, अगर आपकी निरंतर चलती रहेगी, राइट चलती रहेगी, तो आपको सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। मुझे ये बताइए आपके आइडल कौन हैं, आप जिनको देखकर आगे चल रहे हैं, आपने रोल मॉडल कौन बना रखा है अपना? मेरा जो है जनरली क्या है, मैं जिनको आइडल मानता हूँ वो मेरे पिताजी हैं। वाह, वो मेरे पिताजी भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे शिक्षक भी हैं, जो मुझे मॉडलिंग की नॉलेज भी देते हैं। बट उनको इतना नॉलेज नहीं है, बट कहते हैं ना कि एक अपने बेटे को देख के सब कुछ सीखना पड़ जाता है, वो उन्होंने सीखा। आज भी वो मुझे, जब भी मैं उनके सामने प्रैक्टिस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरी गलतियाँ भी निकालते हैं, मेरे को गलतियाँ बताते भी हैं। बट क्या है, आज के टाइम में जो प्रमोशनल मॉडल्स होते हैं वो मैं उनको देखता रहता हूँ, यूट्यूब से सर्च करता हूँ। साथ में क्या है, एक मेरे को थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, जो मैं स्टडी निरंतर करता रहता हूँ। बट कहते हैं ना कि एक पिता जो होता है वो गुरु भी होता है, वही मेरे साथ है, वही मुझे हर चीज़ बताते हैं। जी, अब जैसे कि आपने बताया कि पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जी तो फैमिली में आगे अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है, बहुत पैसा मिल जाता है, और सब चीजें एक तरफ हैं और एक तरफ आपको फैमिली को छोड़ना पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूं कहिए तो ये एक पत्थर है जिसे हटाना बहुत जी मुश्किल है। तो मुझे बताइए आप फैमिली को चुनेंगे या पैसे को चुनेंगे? मैं प्रॉपर फैमिली को ही चुनूंगा, क्योंकि बचपन से ही वो मेरे साथ थे, पैसा मेरे साथ नहीं था।
प्रोडक्शन में सार नहीं थी, मैं फेमस नहीं था। जो फेमस बनाया जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट की वो मेरे पिताजी थे, तो मैं कैसे फैमिली छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर फैमिली होगी तभी पैसा होगा। अगर मुझे फैमिली प्रमोट करेगी तो मैं ऐसी प्रमोशन लेके जाऊँगा कि दुनिया भी देखेगी। वाह, शायद ये सवाल आपका भी था कुश शर्मा के लिए, मेरी तरफ से भी था, और ये सवाल हम सभी की लाइफ में आता है। लेकिन ना जाने क्यों हूं पैसे की चाका चौंध में उलझ जाते हैं, या आंखों में वो तस्वीर परिवार की उतारना नहीं चाहते, ना जाने क्यों वार कर देते हैं उसके ऊपर। तो अब मैं कुश शर्मा आपसे अपने जो साथी साथी हैं, युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी मजबूरी को समझें और उस मजबूरी को अपनी ताकत बना लें। कुछ पर्सन ऐसे क्या होते हैं, एक बार हार गए तो दोबारा उठना नहीं चाहते। मैं बोलता हूँ कि अगर एक बारी आप हार चुके हैं तो उसी हार से आपको सीख मिलेगी, उसी हार को अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। जी हाँ, मुझे कुश शर्मा आपसे ये भी जानना है, इस सफर के दौरान जब आपने ये कंपटीशन लड़े, कोई ऐसा क्षण जिसमें बहुत हंसाया हो, कोई ऐसा क्षण जिसमें बहुत रुलाया हो? जी सर, जैसा कि मेरा फर्स्ट राउंड निकला, सेकंड राउंड निकला, थर्ड मेरा टीवी राउंड था, उस टाइम तक मुझे लगा कि हाँ मेरे घर में खुशियाँ आ रही हैं। बट एक टाइम क्या हुआ, सेमीफाइनल जो मेरा एक अच्छा स्टेज लेवल था जो मुझे क्लियर करना था, उस टाइम क्या था, मेरे को थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मैं ड्रेस नहीं कर पाया। बट फिर क्या हुआ, उस टाइम मेरे एक ऐसा था कि मैं हार मान चुका था कि मुझे लगा कि मैं शायद सेमीफाइनल नहीं क्लियर पाऊँ, क्योंकि मेरा पानीपत था। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम अचानक से, कहते हैं ना, एकदम अचानक से एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मेरा जो संकल्प था, जो मेरा ट्रस्ट था अपने घर वालों पे, जो पिताजी पे, उन्होंने वो क्लियर किया और मैं इस चीज़ से निकला। एक बार हंस के दोबारा रोक के फिर मैं दोबारा हंसा। जी हाँ, कहते हैं कि जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी आपको जीवन का अच्छा पल दिखाती है, कभी बुरा पल दिखाती है, लेकिन जो बुरे पलों पे भी मुस्कुरा उठे वही सच्चा जांबाज कहलाता है, और इसकी एक सही परिभाषा है कुश शर्मा। कुश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और सच बयां करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपको पिता का संग, पिता का साया हमेशा बना रहे और आप ऐसे पते पर पहुंचे जहां पर हर कोई आपके बारे में पूछे, आपके पते के बारे में पूछे। कुश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।